जैसा कि पूर्वानुमान था, साइक्लोनिक स्टॉर्म यास है वो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यास बन चुका है और आज शाम और देर रात तक में उसको वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यास बनने की संभावना है और इसका जो मूवमेंट है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट पर हो रहा है। और बात किया जाए तो ये फिर और इंटेंसीफाई होता हुआ कल सुबह में ये क्लोज टू उड़ीसा और वेस्ट बंगाल कोस्ट के पास में चंदीबली या धामापोर्ट के पास में ये पहुंच जाएगा और इसका लाइकली चांसेस है कि ये नॉर्थ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल कोस्ट बिटवीन पारादीप एंड सागर आइलैंड के पास से नॉर्थ ऑफ धमा एंड साउथ ऑफ बालासोर के पास से ये गुजरेगा ड्यूरिंग द नून ऑफ वेडनेसडे 26 मई एज ए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। अब बात करते हैं कि जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है यास है उसका झारखंड पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज बात करते हैं 25 तारीख की, आज झारखंड के कई स्थानों पे मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। साथ साथ राज्य के उत्तर पूर्वी इलाके बोकारो और धनबाद तथा दक्षिण में पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में कहीं कहीं पे भारी वर्षा होने के भी आज जो चांसेस हैं। अब बात किया जाए तो इस समय जो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की एक्टिविटी जो होगी उस समय जो हवा की गति होगी वो 50 से 60 किलोमीटर पर आवर के भी होने की संभावना है। अब बात करते हैं 26 मई की, तो 26 मई को पूरे राज्यभर में लगभग हर जगह पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और चेतावनी की बात करें तो राज्य के दक्षिणी भाग पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम सरायकेला खरसावां तथा सिमडेगा जिला में कहीं कहीं पर अति भारी वर्षा होने की भी प्रबल संभावना है और राज्य के मध्य भाग जैसे गुमला खुटी और रांची जिला में कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है और राज्य के जो बोकारो रामगढ़ और लोहरदगा जिले हैं वहां पे कहीं कहीं पे भारी वर्षा होने की भी संभावना है। अब बात करते हैं कि विंड स्पीड की, तो 26 तारीख को राज्य के दक्षिणी भाग में कहीं कहीं पर दोपहर में तेज हवा जिसकी औसतन गति 40 से 50 किलोमीटर पर आवर है वो चलती हुई दिखेगी और वो गस्टिंग टू 60 किलोमीटर पर आवर दोपहर में आपको दिखेगी और देर शाम और रात में यह बढ़ के दक्षिण पूर्वी भागों में औसतन 90 से 120 किलोमीटर पर आवर और एवं अधिकतम गस्टिंग टू 130 किलोमीटर पर आवर तक भी देखने को मिलेगी, जबकि दक्षिण पश्चिमी भागों में यह बढ़कर जो इसकी विंड स्पीड है वो 70 से 80 किलोमीटर पर आवर और गस्टिंग टू 90 किलोमीटर पर आवर भी चलने की संभावना है। वहीं शेष भागों में जो हवा की गति होगी वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति आवर और अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति आवर जो प्रति घंटे देखने को मिलेगी। 27 तारीख की बात करें तो 27 तारीख को भी राज्य के जो दक्षिणी भाग हैं पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम सिमडेगा साथ में जो गुमला जिला है वहां पे भी कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और रांची सरायकेला खरसावां खूंटी लोहरदगा लातेहार पलामू तथा गढ़वा जिलों में कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। रामगढ़ हजारीबाग और चतरा में भारी वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है 27 तारीख को। और हवा की बात करें तो उत्तर पूर्वी भागों में जो हवा की गति होगी वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और अधिकतम 60 किलोमीटर पर आवर तक गस्टिंग में जाएगा और शेष भागों में जो हवा की गति है वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और गस्टिंग टू 70 किलोमीटर पर आवर भी चलने की संभावना जताई जा रही है। 28 तारीख की बात करते हैं तो 28 तारीख में जो झारखंड में है 28 तारीख को आपको कई स्थानों पे आपको मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। 28 तारीख को जो हेवी रेनफॉल के वार्निंग है वो है राज्य के जो पश्चिमी भाग है कुमला लोहरदगा लातेहार पलामू गढ़वा तथा चतरा यहाँ पे आपको कुछ कुछ जगह पे भारी बारिश भी देखने को मिलेगी और 29 तारीख को जो है वो काफी एक्टिविटी सब्ड्यू हो जाएगा और आपको कुछ एक आध जगह पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। तो 28 तारीख को जो मेन जो जगह है वो है आपको लोहरदगा गुमला लातेहार इन जगहों पर आपको भारी बारिश देखने को मिलेगी भारी से बहुत भारी और गढ़वा पलामू में आपको भारी बारिश देखने को मिलेगी।
तो अब अगले आने वाले जो 4-5 दिनों में साइक्लोनिक स्टॉर्म यास का प्रभाव झारखंड पे अच्छा पड़ता हुआ दिख रहा है और लगभग पूरे झारखंड में आपको अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी। और तापमान की बात करें तो अगले जो 24 घंटे हैं उसके बाद से जो टेम्परेचर है उसमें काफी गिरावट देखने को मिलेगी। अगले 2-3 दिन जो है उसमें टेम्परेचर में 7-8 डिग्री की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जैसे ही ये सिस्टम थोड़ा कमजोर पड़ता है तो जो दिन का टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। धन्यवाद। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।